Very good morning, my dear students, and you are welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now. Today we are going to start new unit number 4, that is the magnetism. In this unit, we will study Faraday's law. Faraday's law से पहले तुम्हें बेटा एक point पढ़ना पड़ेगा, that is for the flux. अब flux क्या होता है? जैसा हमने electric flux पढ़ रखा है कि अगर मेरे पास एक surface है, ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच करेगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंकिंग विद दैट सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंकिंग विद दैट सरफेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स. दैट विल बी नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेम फाइ, लेकिन अब इसको लिखेंगे फाइ बी से. बी का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस क्या है ये सब हमें पता है, थर्ड यूनिट में हमने अच्छे से कर लिया, सब कुछ कर लिया. अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना है. क्या पढ़ेंगे, लेट्स सी, देखते हैं. सिर्फ सबसे पहले एक ही वर्ड को याद करो, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंकिंग विद द सरफेस एरिया, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे फाइव बी से. ठीक है, ये था बेटा एक मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट. अब फैराडे ने क्या कहा था उसको सुनना ध्यान से, क्योंकि इस पूरी यूनिट में फैराडे लॉ का यूज है और कुछ नहीं है, हम यूज करेंगे सिर्फ फैराडे लॉ. चलिए फैराडे लॉ नंबर 1, यूनिट को नोट्स को बेटा मैं लिंक कर दूंगा, लिंक में देख लेना, नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें. तो फर्स्ट जो है फैराडे का लॉ वो ये है कि तुम्हारे पास ये एक कॉइल है, ध्यान से समझना इसको, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ. ठीक है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को लिंक कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस लिंक कर रही है, मतलब फ्लक्स. नंबर ऑफ लाइंस लिंक करने का मतलब है फ्लक्स. बेटा तुम्हें क्लियर नजर आ रहा है? बोर्ड क्लियर है? चलिए, तो बेटा ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक लाइंस कुछ लिंक कर रही हैं इस कॉइल के साथ. अब ध्यान कहां पर देना है, तुमने ध्यान यहां पर देना है, ये मैग्नेटिक लाइंस जो लिंक कर रही हैं, देखो यहां पे थ्री लाइंस लिंक कर रही हैं, ये थ्री लाइंस ना तो कम हो रही है ना ही ज्यादा हो रही है. अगर ये कम या ज्यादा नहीं हो रही, मतलब वेरिएशन नहीं है लिंकिंग के अंदर. लिंकिंग का मतलब इस कॉइल में जो मैग्नेटिक लाइंस लिंक कर रही हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो क्या होगा, तो इस कॉइल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा. लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करूं, अगर मैं इसको टूवर्ड्स द कॉइल मूव करता हूं, तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस की जो लिंकिंग है ये इंक्रीज हो जाएगी. देखो मैग्नेट को मैं आगे लेकर आया, जैसे ही मैं मैग्नेट को आगे लेकर आऊंगा ये नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा इसको टच करेंगे. ठीक है, ज्यादा लाइंस टच करेंगे इसको. अगर यहाँ पर लिंकिंग इंक्रीज हो रही है
तो हमारा जो इनर्शिया का कंसेप्ट है, हम सबने इनर्शिया पढ़ा हुआ है, जो इनर्शिया का कंसेप्ट है, इनर्शिया का कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज पसंद नहीं होता। चेंज का मतलब समझना, ठीक है, कि अगर इसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है तो ये कहेगा चेंज ना आए, ये हमेशा उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। हर कोई करता है, तुम भी करते हो, वो ऑब्जेक्ट चेंज को अपोज करेगा जिसके पास मास है, क्योंकि इनर्शिया तब काम करता है जब मास होता है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर मास है तो ये चेंज काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो बेटा इसके कारण से ध्यान से देखना, जैसे ही तुमने यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, मैग्नेट को मूव किया, क्वाइल के पास लेकर आए, नंबर ऑफ लाइन्स ज्यादा लिंक हो गई। जैसे ही इसके पहले कितनी लिंक हो रही थी, 3 नंबर ऑफ लाइन्स लिंक हो रही थी, अब बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन्स लिंक कर रही है, तो मतलब अब क्वाइल के अंदर चेंज आ गया, ठीक है। अगर इसके अंदर चेंज आ गया तो ये क्वाइल चाहती है कि मेरे अंदर चेंज ना आए, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। हर कोई, जैसे अब हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हुए हैं ना, कि अगर हम बस में बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी चाहती है कि हम बैठे रहें, चले ना, बस वाला बस को अगर जैसे ही आप ड्राइव करते हैं तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं, या बस चल रही है ब्रेक लग गया तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, क्यों, हमारी बॉडी ये चाहती है कि जौन सा भी स्टेट है उसमें कुछ चेंज ना हो। तो हमेशा हम चेंज को अपोज करते आए हैं, क्यों करते आए चेंज को अपोज, इनर्शिया के कारण, क्योंकि हमारे पास मास है। ऐसे ही ये क्वाइल भी करेगी, जैसे तुम इसके नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज करोगे, इसकी लिंकिंग को इंक्रीज करोगे, तो ये अपोज करेगी। तो ये अपोज कैसे करेगी, फॉर एग्जांपल सोच कर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस 3 थी और अब नंबर ऑफ लाइंस हो गई है 10। तो ये क्वाइल चाहती है, अगर 3 लाइन इसको टच कर रही थी तो इसको बस 3 लाइंस ही टच करती रहे, ना तो 3 से 2 हो, ना 3 से 4 हो, मतलब क्वांटिटी ना तो डिक्रीज हो, ना ही क्वांटिटी इंक्रीज हो, मतलब कहने का कोई चेंज ना हो। तो अगर कोई चेंज ना हो तो ये क्वाइल क्या करेगी, इसको अपोज कैसे करेगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी पहले 3, अब कितनी है 10, तो ये 7 लाइंस अपोजिट बना देगी, अपोजिट फील्ड बनाकर इसकी 7 लाइंस को खत्म कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, दोबारा से रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 3 का। तो बेटा ये अपोज कैसे करेगी, अपोज करेगी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाकर। अब ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा सोच कर देखो, अब वो फंडे हम कर चुके हैं थर्ड यूनिट के अंदर, सर्कुलर कॉइल में अगर ये ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे तोड़ने शुरू कर दें, या इसके चार्जेस ऐसे तोड़ने शुरू कर दें, करंट इसका एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाए, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। हमेशा सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर एक्सिस पर होता है, पढ़ चुके हैं ये चीजें, तो ये सर्कुलर कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो इस सर्कुलर कॉइल को अगर ऐसे रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा और 7 लाइंस बाहर आएंगी और इसको कट करेंगी और ये दोबारा रिजल्टेंट 3 हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, ये कॉइल के अंदर जो चार्जेस पड़े हुए हैं वो चार्जेस ऐसे जोड़ना शुरू कर देंगे कि तुम्हारा ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बना था, वो कट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें चार्जेस को डायरेक्शंस निकालने, आपकी ये पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि बताओ चार्जेस क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया था, लेंथ लॉ, ठीक है, बट लेंथ लॉ करने का कोई नीड नहीं है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, नथिंग एल्स, क्योंकि लेंथ लॉ में डायरेक्शन ही तो बताई गई है कि चार्ज क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉक मूव करेगा, वो तुम खुद सोचो कि क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉक करेगा। यहाँ पर देखो ये कॉइल है, तो इस कॉइल के अंदर मुझे ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, क्यों, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगी। तो बेटा ये कॉइल में इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, सॉरी चार्जेस ऐसे चलेंगे ना, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा। हम सबको पता है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड बनता है, तो इसमें करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉक। तो करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉक। अब ये करंट था नहीं इस कॉइल में, पैदा हो गया, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। इस कॉइल में कोई करंट था नहीं लेकिन पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया, क्योंकि तुमने मैग्नेटिक लाइंस को इंक्रीज किया और ये चाहते हैं कि इसके पास जो भी क्वांटिटी थी वो ना तो इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, तो ये उस क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है, और उस एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो तभी बनेगा जब इसके चार्जेस दौड़ना शुरू करेंगे, फिर इसके चार्जेस सारे दौड़ना शुरू हो जाते हैं,
ठीक है, जब दौड़ना शुरू होते हैं तो यहाँ पर करंट आ जाता है, क्योंकि चार्ज चलने का मतलब है करंट। अब जब इन्हें करंट मिलेगा तो करंट का मतलब क्या हुआ कि इसके पास करंट पैदा हो गया, पहले कोई करंट नहीं था, करंट आ गया, तो उस करंट को हम बोलते हैं, इसके अंदर जो करंट आया बेटा उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस करंट, उसको क्या बोलेंगे इंड्यूस करंट। याद करना इन पॉइंट्स को, वैसे तो मैं नोट्स मिलेंगे, बट जो सा करंट तुमने प्रोड्यूस किया है जबरदस्ती, डेट करंट विल बी नॉन एज द इंड्यूस करंट। वो क्लॉकवाइज आया है एंटी क्लॉकवाइज आया, वो तुमने देखना है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या क्या हो सकता है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर अब तुमने इस मैग्नेट को यहां पर छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो अब ये 10 मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल को टच कर रही है, धीरे धीरे इस कॉइल को इन 10 मैग्नेटिक लाइन्स की हैबिट हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। अब क्या होगा कि अगर तुम मैग्नेट को ड्रॉ करते हो, विड्रॉ करते हो पीछे की तरफ, ठीक है, जैसे ही तुम मैग्नेट को विड्रॉ करोगे तो क्या होगा, अब ये 10 मैग्नेटिक लाइन्स की इसको हैबिट हो गई है। अब ये चाहती है 10 है तो 10 रहे, 10 से कम ना हो, क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट से कम या ज्यादा ना हो। तो बेटा क्या होगा इसके लिए, सोच कर बताओ कैसे करोगे इसके लिए। अगर ये 10 है तो ये 10 ही रहे, कैसे पॉसिबल है बता सकते हो। अब तुमने क्या किया, मैग्नेट को पीछे ले गए, मैग्नेट को पीछे ले जाओगे क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये ज्यादा डिक्रीज ना हो ना, अब 10 से ना तो इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, क्यों, क्योंकि अब इसको हैबिट हो गई है 10 मैग्नेटिक लाइन्स। थोड़ी देर के बाद हैबिट हो जाती है, हर चीज हैबिचुअल हो जाती है थोड़ी देर के बाद। तो पहले ये हैबिचुअल थी 3 मैग्नेटिक लाइन्स की, तुमने मैग्नेटिक लाइन इंक्रीज कर दी, इंक्रीज करने से इसने अपने चार्जेस को दौड़ाया और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाए, जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड मिला था वो कैंसल आउट हो जाए, समझ आ गया ज्यादा। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद इसको हैबिट हो जाती है इन 10 मैग्नेटिक लाइन्स की, तुम इस मैग्नेट को पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेते हो। अब ये चाहती है कि नहीं 10 थी तो 10 ही रहे। अब वो तुमने मान लो पीछे की तरफ ले गए, तुमने इससे 7 मैग्नेटिक लाइन्स वापस ले ली, दोबारा 3 हो गई, अब इसको हैबिट है 10 की, तो अब ये 7 मैग्नेटिक लाइन्स आउटसाइड नहीं इनसाइड बना देगी, अपने अंदर की साइड 7 मैग्नेटिक लाइन्स बनाएगी, क्यों, 3 तो मैग्नेटिक लाइन इससे मिल ही रही है और 7 ये खुद जनरेट करके इनसाइड अंदर की तरफ जनरेट करेगी और अपनी क्वांटिटी को फिर कितना कर देगी 10। तो अब जब ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो इसके चार्जेस अब किधर दौड़ना शुरू करेंगे, किस डायरेक्शन में इसके चार्जेस मूव करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सोच के बताओ। देखो यहाँ पर इसको मैग्नेटिक फील्ड एंटर करवाना है, एग्जिट नहीं करवाना, एंटर करवाना है। एंटर करवाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, साउथ पोल बनाना पड़ेगा। साउथ पोल बनाने के लिए इसको अपने चार्जेस को कैसे भगाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, कैसे भगाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। तो ऐसे अगर ये चार्जेस को घुमाएगी तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना, ऐसे अंदर इनसाइड। तो बेटा ध्यान रखो इस चीज का कि यहाँ पर चार्जेस क्यों मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। चार्जेस को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी और फोर्स हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी मस्कुलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दी इसको, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ने इसके जो चार्जेस हैं, चार्जेस पे फोर्सेस लगाए, उस फोर्स के कारण वो चार्जेस इसके मूव करने लगे, और मूव करने से क्या हुआ, वो मूव क्यों कर रहे थे, इसके चार्जेस इसलिए मूव कर रहे थे कि इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस ना आए। अब इसके अंदर तुमने अगर नोट किया तो कुछ पॉइंट्स तुमने नोट किए होंगे, ध्यान से समझना, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ पॉइंट्स को। बेटा ये कॉइल में कोई करंट नहीं था, इसके अंदर करंट कब आया, जब तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लिंकिंग को चेंज किया। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज किया जा रहा है वर्ड पर वो है चेंज, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारी कुछ क्वाइल के साथ लिंक कर रही है लेकिन वो कांस्टेंट है, वो ना तो कम हो रही है क्वाइल के साथ ना ही ज्यादा हो रही है, तब कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो सकता, क्यों। अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब उस क्वाइल को हैबिट हो चुकी है, हैबिचुअल हो चुकी है वो उन मैग्नेटिक लाइंस की। अगर वो हैबिचुअल हो चुकी है तो वो उसको अपोज नहीं करेगी, वो जब अपोज करेगी तो अपोज कब करेगी, वो अपोज तब करेगी जब तुम मैग्नेटिक लाइंस चेंज करोगे, इंक्रीज या डिक्रीज करोगे,
तब वो अपोज करेगी और अपोज करने के कारण ही वो अपने चार्जेस को दौड़ाना शुरू करेगी, भगाना शुरू करेगी। अब भगाने की दो डायरेक्शन है, या तो वो क्लॉकवाइज भगाएगी या एंटी क्लॉकवाइज भगाएगी। अब जैसे ही चार्जेस मूव करेंगे तुम कहोगे करंट आ गया, और वही करंट तुम्हारा इंड्यूस करंट होगा। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? तो इंड्यूस करंट हाँ क्लॉकवाइज हो सकते हैं वो चार्जेस, या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे इसको इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एनकाउंटर करना था, कैंसिल आउट करना था, तो इसने एग्जिट वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आए और इनको काट दे। ठीक है, जब तुम मैग्नेटिक लाइंस को पीछे लेकर चले गए, मैग्नेट को पीछे लेकर चले गए, क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया, फिर इसने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया जो इसके अंदर एंटर करे और दोबारा से मैग्नेटिक लाइंस की जो लिंकिंग है दोबारा से टेंड कर दे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना कि जब जब तुम चेंज करोगे फ्लक्स के अंदर, फ्लक्स समझ आ गया, लिंकिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस विद कॉइल। तो जब जब तुम चेंज करोगे बेटा फ्लक्स के अंदर, तब तब ये अपोज करने के लिए अपने चार्जेस को भगाएगा। ठीक है, ये हमारा फैराडेस का फर्स्ट लॉ है। फैराडेस कहता है कि अगर तुम मैग्नेटिक लिंकिंग को चेंज करोगे तो तुम्हें इंड्यूस करंट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द फैराडेस फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ तुम्हें मिलेगा नोट्स में, तुम उसे लिखोगे, नोट्स बनाओगे। अब बात करते हैं सेकंड लॉ। ठीक है, तो सेकंड लॉ से पहले बेटा थोड़ा फ्लक्स को पढ़ लेना अच्छा रहेगा, कि हम फ्लक्स को एक बार पढ़ लें कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स को बेटा फाई से तो रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी लिखोगे भी इसको, अगर पूरा डेफिनेशन लिखोगे इसकी सब कुछ लिखोगे फ्लक्स के बारे में, लेकिन मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। फ्लक्स का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू में एरिया वेक्टर, और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसको किससे लेना देना है, इसको क्वांटिटी से लेना देना है, कि इसको कितनी नंबर ऑफ लाइन्स लिंक कर रही है, किस डायरेक्शन में कर रही है, कैसे कर रही है, इसको कुछ नहीं लेना देना, इसको है कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स लिंक कर रही है, कम कर रही है या ज्यादा कर रही है। तो जब क्वांटिटी से इसको लेना देना है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो इसके पास जो प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर्स का है, B इज अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो B इनटू A, BA, बस BA याद रखना, BA इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है EA, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है BA, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा डॉट के साथ। दोनों वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा डॉट के साथ, चलो इसको डिटेल में करेंगे अभी थोड़ी देर पर, तो इसको समझाऊंगा, लेकिन पहले सेकंड लॉ कर लेते हैं बेटा कि सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ कहता है, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत अच्छे से समझना, क्लियर भी हो जाएगा, कि अगर इसके अंदर बेटा करंट आया तो इसके अंदर जो करंट आया तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, उसमें ईएमएफ भी बनेगा। तो ईएमएफ का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the EMF? तो मुझे कौन बताएगा what is the meaning of the EMF? कि EMF क्या होता है? देखो बेटा EMF का मतलब क्या है? ये देखो, तुम्हें प्रॉपर समझाता हूँ, एक सेकेंड वेट। वैसे हमने सेकंड यूनिट में ये सारा कुछ किया हुआ है, अगर तुम्हें याद हो तो सेकंड यूनिट में सब कुछ हो चुका है। देखो कैसे, ध्यान से देखना बेटा इस चीज को। ये मैंने एक सर्किट लिया, ये एक बैटरी है, स्विच लगा लो या ना भी लगा छोड़ो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसको वोल्टेज दे रहा है, पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, और ये पोटेंशियल इसके अंदर पड़े हुए चार्जेस को चलाएगा, करंट को मूव करेगा। तो करंट चलेगा बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से समझना, करंट चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन आउटसाइड द सर्किट। अब एक्सटर्नल सर्किट में तो करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव, जब वो बैटरी पर आएगा तो बैटरी से जब इस प्लेट तक आएगा तो वो कैसे आएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। बैटरी का मतलब है सोर्स,
तो याद रखो ये पहले भी कर चुके हैं, सोर्स के अंदर करंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव और सोर्स के बाहर करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है? तो सोर्स का मतलब जब साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, जिसमें बैटरी की डायरेक्शन भी तुमने ले ली, तो उसको हम लिखते हैं ई से, ईएम, स्मॉल ई या कैपिटल ई। लेकिन अगर तुम बैटरी की डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे, मतलब तुम अपना साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर रहे, तुम बैटरी के एक टर्मिनल से चले दूसरे टर्मिनल पे रुक गए, बैटरी का जो गैप है वो गैप ही रहेगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्लोज लूप नहीं बना, कंप्लीट नहीं हुआ साइकिल, तो फिर ई नहीं लिखेंगे, तब हम वी लिखेंगे। अगर साइकिल कंप्लीट नहीं है तो वी, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर साइकिल कंप्लीट है यहाँ तक है तो ई। ठीक है, तो ये दो फंडा तुम्हें याद रखने हैं, साइकिल कंप्लीट है तो ई, नहीं है तो बी, और दूसरा सोर्स के अंदर जो डायरेक्शन होती है करंट की वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, सोर्स के बाहर आउटसाइड द सोर्स जो डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा ये भी ध्यान रखना कि अगर सोर्स होगा तभी करंट चलेगा, नहीं तो करंट भी नहीं चलेगा, विदाउट सोर्स करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस क्वाइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो डेट मीन इसका कुछ ना कुछ सोर्स है, तो इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ है, ईएमएफ है तभी तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो वो सेकंड फैराडे का जो लॉ था, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, उसके अंदर हमने उस ईएमएफ का फॉर्मूला समझा कि फॉर्मूला कैसे बनता है ईएमएफ का। तो ध्यान से देखना बेटा कि इसके अंदर करंट आया क्यों था, इसके अंदर जो ईएमएफ आया था वो ईएमएफ आया क्यों था, तो आंसर है वो ईएमएफ आया था चेंज के कारण। इसके अंदर करंट क्यों पैदा हुआ था, करंट पैदा हुआ था चेंज के कारण। क्या चीज चेंज हो रही थी, कांस्टेंट के टाइम पे इसमें करंट नहीं था, जब ये लिंकिंग कांस्टेंट थी तो कोई करंट नहीं था, जैसे ही इस लिंकिंग को तुमने इंक्रीज डिक्रीज किया तो इसमें करंट आएगा। ठीक है, और वो जो करंट होगा, जो इसमें करंट आएगा, वो वाला जो करंट होगा वो तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझो इस चीज को। वो कह रहे हैं कि जो करंट है वो ईएमएफ के कारण आता है, और ईएमएफ किसके कारण आता है, ईएमएफ आता है चेंज के कारण। चेंज किसमें, तो आंसर है फ्लक्स में। किसमें चेंज हो रहा है, फ्लक्स में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको लिखोगे तुम डी फाई बाय डीटी। देखो फ्लक्स होता है फाई, ठीक है, डी फाई बाय डीटी, फ्लक्स में जो चेंज आया उसी को ईएमएफ बोलेंगे। बट ध्यान दो एक चीज पर, ये कॉइल हमेशा चेंज को क्या करती है, हम कहेंगे ये हमेशा चेंज को अपोज करती है, इसको चेंज अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है, ये हमेशा चेंज को अपोज करेगी। अगर ये चेंज को अपोज करेगी तो हमेशा इसके अगर नेगेटिव रहेगा। ये बेटा सेकंड लॉ है फैराडे का, ईएमएफ का ये फॉर्मूला बना था। क्या फॉर्मूला बना था ईएमएफ का, ईएमएफ क्या था, माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं बेटा, ये क्या है कि इस कॉइल के अंदर करंट आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, इस कॉइल में करंट आ गया, ये दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, ये दो पॉइंट ले लिए, इन दो पॉइंट्स में मैंने क्या किया, एक तार लगाई, तार के आगे मैंने एक ये बल्ब लगाया, ये वायर यहां पर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये बल्ब लगाया, तो क्या करंट इस बल्ब को ग्लो कर सकता है, ये वायर है बेटा, ये वायर नहीं है। ठीक है, ये बल्ब थोड़ा सा समझ लो, ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब बनाया हमने, अब ये क्या वायर, ये जो वायर है क्या ये करंट, इसके अंदर जो करंट आ गया वो क्या इस सर्किट में आएगा करंट, तो आंसर है ये ऐसे आएगा, ये यहां से गया, ये ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा इसमें, देखो ऐसे, यहां से देखना इस पॉइंट को, ये करंट ऐसे जाएगा, बल्ब को ग्लो करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो करने के बाद करंट वापस आ जाएगा ऐसे। तो मैं पूछता हूं कि इसमें से ए और बी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं तुम्हें कुछ शो करना चाहता हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ आपको, क्या देखना कि करंट जब चलेगा तो वहां से पॉजिटिव चार्जेस निकल रहे हैं, यहां से पॉजिटिव चार्जेस निकल रहे हैं तो वहां पर पीछे क्या रह जाते हैं, नेगेटिव। यहां से पॉजिटिव चार्ज निकले चलते पॉजिटिव यहां पर इकट्ठे हो गए, ए के पास पॉजिटिव इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब सर्किट में जो करंट चलेगा, यहां पर देखो आउटसाइड द सर्किट, आउटसाइड द सोर्स करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आउटसाइड द सोर्स करंट चलेगा, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव।